आप देख रहे हैं मायापुरी कट, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस पर, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा से जुड़ी सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। शहनाज गिल ने विकी कौशल के साथ मुलाकात के बाद अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं। इनमें उन्हें विकी कौशल को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। शहनाज गिल ने 3 तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें उन्हें विकी कौशल के साथ पोज देते हुए देखा जा रहा है। दोनों ने ट्रेडिशनल वेयर पहन रखा है, जहां शहनाज गिल ने ब्लैक कलर की शिमरी साड़ी पहन रखी है, तो वहीं विकी कौशल ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है, जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। इनमें उन्हें साथ में पोज करता हुआ देख अब फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। वरुण धवन अपनी फिल्मों और एक्टिंग के अलावा कई बार अपने व्यवहार को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं। हाल ही में वरुण धवन ने खुद भी अपने व्यवहार को लेकर बातचीत की। उन्होंने उस वक्त का जिक्र किया जब वो किसी की परवाह नहीं करते थे और थोड़े से घमंडी थे। हाल ही में एक बातचीत के दौरान वरुण धवन ने ये खुलासा किया कि एक वक्त था जब वो घमंडी थे। ऐसे में वो इस बात की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे कि कौन क्या कह रहा है। बातचीत के दौरान वरुण धवन ने अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया को लेकर भी बात की और कहा कि फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक ने उन्हें इस फिल्म में कॉमेडी ना करने की सलाह दी थी और कहा था कि लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रभास स्टारर इस फिल्म की मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच फिल्म मेकर्स के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आदि पुरुष के स्टार और मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, फिल्म पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। फिल्म आदि पुरुष पर रोक लगाने की याचिका दायर करवाई गई है। याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी की ओर से पेश वकील रजना अग्निहोत्री ने हाल ही में रिलीज हुए टीजर के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है। साउथ की फिल्म कांतराय इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म को कन्नड़ा भाषा के बाद हिंदी सहित कई अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने वहां भी धमाल मचा दिया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि इस फिल्म को लेकर अब ट्विटर पर लोग ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब बातें हो रही है। सरगुन मेहता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी रिलीज हुई हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स तोड़ती है और इसी के साथ सरगुन की हर सोशल मीडिया पोस्ट भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो जाती है। और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। सरगुन मेहता ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई पिक्चर्स शेयर की हैं, जिनमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने एक व्हाइट सिंपल टॉप और जीन्स पहन रखी है। उनका ये सिंपल येट स्टाइलिश लुक फैंस को अब काफी पसंद आ रहा है। पंजाबी फिल्मों के साथ साथ सोनम बाजवा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अपनी अच्छी खासी पहचान भी बना ली है। खास बात यह है कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ सोनम बाजवा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अभी रिसेंटली सोनम ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोनम ने व्हाइट आउटफिट पहना हुआ है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं और ये फोटोज फैंस को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। नेहा मलिक अपने भोजपुरी गानों के अलावा अपने फैशन सेंस को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनका अंदाज और उनके लुक्स फैंस को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। उनकी तस्वीरें भी आए दिन वायरल हो ही जाती हैं। एक बार फिर नेहा मलिक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। दरअसल नेहा मलिक ने ट्रेडिशनल लुक में अपना फोटोशूट करवाया है, जिसकी कुछ तस्वीरें नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन तस्वीरों में नेहा ऑरेंज कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। अब दिवाली का त्योहार आने वाला है और इसी सिलसिले में मोनालिसा फेस्टिव वाइब्स एंजॉय कर रही हैं, जिसके चलते उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी लुक में अपनी बहुत सी प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। रेड साड़ी में मोनालिसा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, जिसकी वजह से अब उनकी तस्वीरों पर फैंस के काफी पॉजिटिव रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखते रहिए इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस मंडे टू सैटरडे @8 PM ओनली ऑन मायापुरी कट।